हेलो फ्रेंड्स, मोनिस किचन में आपके स्वागत है। आज हम बहुत ही एक इजी ब्रेकफास्ट बनाने जा रहे हैं, बहुत जल्दी बन जाता है। ये है पोहा। चलिए देख लेते हैं पोहा बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पे मैंने 150 ग्राम पोहे ले लिया है, इसको अच्छे से धो के और फिर पानी निकालने के लिए रखा हुआ है। प्याज काट के ले लिया है, हरा धनिया ले लिया, इसे भी बारीक चॉप कर लिया। 50 ग्राम मूंगफली के दाने ले लिए, एक हरी मिर्च ले लिया, 1 टेबलस्पून ऑयल ले लिया, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर ले लिया, नमक ले लिया है स्वाद अनुसार, 1 टेबलस्पून चीनी भी ले लिया है। कढ़ाई गरम कर लेते हैं, गैस ऑन कर लेंगे। हम पोहे को एक प्लेट में ऐसे पानी सूखने के लिए रख लेंगे। गर्म हो चुके, अब हम इसमें ऑयल डाल देते हैं। ऑयल गर्म हो चुके, प्याज डाल देते हैं, मिर्च भी डाल देते हैं, नमक डाल लेते हैं स्वाद अनुसार। प्याज को हम गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। हल्दी बहुत थोड़ा सा डालना है, जस्ट कलर के लिए। हल्दी अच्छे से मिला लेते हैं। प्याज हमारे गोल्डन हो चुके हैं, गैस का फ्लेम लो रखा है। अब इसमें हम मूंगफली के दाने डाल देते हैं। आप अपनी पसंदीदा कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं। मिला लेते हैं, पोहे भी डाल देते हैं, ये डाल दिया है, अब अच्छे से मिला लेते हैं। बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट होता है ये, हमने अच्छे से मिला लिया है। ये अगर हम घर पे पोहे बनाते हैं तो पोहे बहुत ड्राई हो जाता है। इस पोहे को आप ढक करके स्टीम देना है हमें, ढक करके हम इसको 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। चीनी डाल देते हैं, चीनी ऑप्शनल है, अगर आपको ना पसंद है तो आप ना स्किप भी कर सकते हैं। इसमें आप आलू भी डाल सकते हैं, कोई भी वेजिटेबल आप इसमें ऐड कर सकते हैं। हरा धनिया भी डाल देते हैं, अच्छे से मिला लेते हैं। पोहा बन के रेडी हो चुके हैं, अब हम इसमें प्लेट को प्लेट में निकाल लेते हैं। ये बिल्कुल ड्राई नहीं हुआ है, आप लोग जरूर बनाइए और मुझे बताइए कैसे बनी है। हमने पोहे ही निकाल लिया है, ये पोहे 3 से 4 लोगों के लिए इनफ है। मोनिस किचन को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।